में घूमने की इच्छा तो होती ही होगी, लेकिन क्या करें, सीमित संसाधनों के चलते हमारी ये इच्छा अधूरी ही रह जाती है। वैसे आपके पास सीमित संसाधन नहीं हैं और आप दुनिया के हर कोने में घूमने के काबिल हैं, और अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हो तो इस वीडियो में बताई जाने वाली इन चार जगहों पर भूलकर भी मत जाना, नहीं तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे या फिर अपनी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे ही बिता दोगे। आइए जानते हैं दुनिया की उन चार प्रतिबंधित जगहों को। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, भारत। बंगाल की खाड़ी में मौजूद 28 स्क्वायर किलोमीटर में फैले नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत है। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूंखार है, क्योंकि इस आइलैंड पर दुनिया की सबसे कमज़ोर जनजाति वास करती है। ये जनजाति कमज़ोर इसलिए है क्योंकि ये अभी भी पाषाण युग में जी रही है। ये लोग अभी भी तीर और भालों से शिकार करते हैं और आधुनिक दुनिया से सालों पीछे हैं। ये जनजाति इस आइलैंड को खूंखार इसलिए बना देती है क्योंकि इनको इस आइलैंड पर बाहरी दुनिया का हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2006 में गलती से कुछ मछुआरे इस आइलैंड पर पहुंच गए तो इस आइलैंड पर मौजूद जनजाति ने उन मछुआरों को मौत के घाट उतार दिया। वर्ष 2004 में आई भयंकर सुनामी के चलते अंडमान द्वीप तबाह हो गए थे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी अंडमान द्वीपों की श्रृंखला का ही हिस्सा है। 2004 में आई सुनामी में इस जनजाति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बात अभी तक कोई भी नहीं जान पाया है। सुनामी के बाद जब भारतीय सेना ने वहां जाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों पर तीर छोड़े और किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया। भारतीय सरकार ने इन लोगों के हित में कई बार विकास के कदम उठाए, लेकिन इन लोगों ने अपने आइलैंड पर किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग बाहरी दुनिया के लोगों के हस्तक्षेप को पसंद क्यों नहीं करते, तो इसका जवाब है कि 1980 के आखिरी दौर में लोहे और अन्य धातुओं की खोज के लिए इस आइलैंड पर कुछ लोग गए थे, तो उन लोगों की इस जनजाति के सदस्यों के साथ हिंसक लड़ाई हुई जिसमें इस जनजाति के बहुत से सदस्य मारे गए। तो हो सकता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग अन्य इंसानों को अपना दुश्मन मान बैठे हों। स्नेक आइलैंड, ब्राजील के साओ पोलो से 93 मील दूर समुद्र में स्थित एक आइलैंड जो कि 4,30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। भले ही धरती पर इंसानों की हुकूमत चलती हो, लेकिन ब्राजील के इस आइलैंड पर केवल गोल्डन पिट वाइपर सांपों की ही हुकूमत चलती है। इस आइलैंड पर सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि औसतन 1 स्क्वायर मीटर में 5 सांप रहते हैं, मतलब आपके सिंगल बेड जितनी जगह में 10 सांप रहते हैं। इस आइलैंड पर पाए जाने वाले गोल्डन पिट वाइपर सांपों की गिनती दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में होती है। अगर ये सांप किसी इंसान को काट ले तो उसकी मौत केवल 10 से 15 मिनट में ही हो जाती है। इस आइलैंड पर अभी लगभग 20 लाख गोल्डन पिट वाइपर सांप रह रहे हैं। आइए अब जानते हैं इस आइलैंड पर घटित एक घटना के बारे में। इस आइलैंड पर पहले सांपों की आबादी इतनी नहीं थी और जो थे वो आइलैंड के बीच वाले भाग में थे। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस बना हुआ है जिसमें कि ब्राजील नेवी का एक कर्मचारी ड्यूटी दिया करता था। ये कहानी है इस लाइट हाउस के आखिरी केयर टेकर की। वो केयर टेकर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक कोटेज में रहता था। ब्राजील नेवी का एक जहाज उनके पास जरूरत का सामान पहुँचाया करता था। एक दिन जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांप खिड़की से कोटेज में घुस गए। जब उस परिवार ने जहरीले सांपों को देखा तो वो डर गए और अपनी जान बचाने के लिए तट की ओर भागे जहां उनकी नाव बंधी हुई थी। लेकिन अफसोस कि वो लोग रास्ते में ही सांपों का शिकार बन गए। अगले दिन जब नेवी का जहाज सामान उतारने वहां पहुंचा तो उन सबकी लाशें लाइट हाउस को जाने वाले रास्ते पर पड़ी मिलीं जो कि काली पड़ चुकी थीं। इस घटना के बाद लाइट हाउस को बंद कर दिया गया और उस आइलैंड पर इंसानों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। एरिया 51। अगर हम प्रतिबंधित जगहों के बारे में बात करें जिसमें एरिया 51 का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा में स्थित एक सीक्रेट जगह है जो अपने अंदर बहुत से रहस्यों को छिपाए हुए है। वैसे तो दुनिया भर में एलियंस को देखे जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन एरिया 51 में इसकी सच्चाई देखने को मिलती है।
2014 में अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने अपने एक स्टेटमेंट से तहलका मचा दिया था। बॉयड बुशमैन का कहना है कि वो एरिया 51 में जा चुके हैं और उन्होंने बताया कि वो एलियंस से बात भी कर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने वो तरीका भी बताया कि ये एलियंस कैसे एक घंटे में अपने ग्रह से पृथ्वी तक का सफ़र तय करते हैं। वैसे एरिया 51 की सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। बहुत से लोग मानते हैं कि यहाँ पर एलियंस पर शोध किया जाता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार UFOs को वहाँ उड़ते देखा है। लेकिन एरिया 51 के बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना है कि वहाँ पर सैन्य परीक्षणों के लिए एयरबेस है। खैर एरिया 51 की सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि एरिया 51 में कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता। अगर कोई गलती से चला भी जाता है तो अमेरिकन आर्मी द्वारा दबोच लिया जाता है। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड बैंक। उत्तरी ध्रुव से करीब 1300 किलोमीटर दूर नॉर्वेजियन आइलैंड पर एक सीड बैंक मौजूद है। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में 300,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों और फसलों के बीज मौजूद हैं। इस सीड बैंक का मकसद सिर्फ एक ही है, वो ये है कि अगर मानव निर्मित वर्ल्ड वॉर या प्राकृतिक आपदा में धरती पर मौजूद आबादी और पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं और उस आपदा में बाई चांस कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं तो वो इस सीड बैंक से बीज निकालकर दोबारा धरती पर पेड़ पौधे और फसलों को उगा सकते हैं। वैसे इस जगह पर आम इंसानों का जाना प्रतिबंधित है। अगर गलती से वहां पर कोई आम इंसान चला भी जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है। दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में और भी बहुत सी ऐसी सीक्रेट जगह हैं जहां पर आम इंसानों का जाना प्रतिबंधित है, लेकिन मैंने अपनी लिस्ट में केवल उन्हीं जगहों को शामिल किया है जहां पर आम इंसानों को जाने पर अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। वैसे अगर आप जिन सीक्रेट प्लेसेज को जानते हो जहां पर आम इंसानों का जाना प्रतिबंधित है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।